जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है, हमारे पास में लिस्ट हैगी और हम फाइंड करेंगे कि हमारी इस लिस्ट में कितने करैक्टर हैंगे और कितने अदर, क्लियर। जहाँ जहाँ पर करैक्टर हैं उसके सामने लिखा आएगा करैक्टर, बाकी जगह अदर, ओके। जैसे कि मैंने तीन कॉलम बनाए, पहला कॉलम क्या आएगा, जहाँ पर स्मॉल लेटर रहेंगे, ओके, जस्ट उसके सामने लिखा होगा स्मॉल लेटर। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है जी, और ये भी स्मॉल लेटर है आपका, और नीचे W वाला, क्लियर। ये तो जहाँ जहाँ पर स्मॉल लेटर रहेगा वहाँ पर लिखा होगा स्मॉल, और याले में क्या होगा, जहाँ पर कैपिटल लेटर होगा वहां पर लिखा होगा कैपिटल, क्लियर। और इसमें क्या होगा, जहां पर दोनों होंगे स्मॉल भी और कैपिटल भी, वहां पर दोनों लिखेंगे। तो चालू करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी स्काई कोड के बारे में बता चुका हूँ, ओके। और स्काई कोड के बारे में और पढ़ना आएगा तो एक्सेल का वीडियो है मेरा, ओके, जो स्काई कोड के ऊपर आएगा, उसमें जाके देख सकते हैं, क्लियर। जैसे कि कैपिटल जो लेटर हमारे होते हैं उसका स्काई कोड 65 to 90 होता है, और स्मॉल अल्फाबेट का स्काई कोड 97 to 122 होता है, क्लियर। तो अब पहले से ही हमें थोड़े कुछ फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि कोड, कैर, इफ, और एंड। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले तो क्या करेंगे, हम सभी के कोड मालूम करेंगे, जैसे कि ए का कोड क्या आएगा, बी का कोड क्या आएगा, जेड का कोड क्या आएगा, 12 का कोड क्या आएगा, एट सिंबल का कोड क्या आएगा। तो कोड किसी भी करेक्टर का, किसी भी नंबर का, किसी भी अल्फाबेट का, किसी भी सिंबल का, अगर आपको कोड मालूम करना है तो आप लिखेंगे इक्वल कोड और पास कर देंगे सेल एड्रेस। मैंने पास किया A10, A10 में लिखा है स्मॉल ए, ये आ गया इसका कोड 97। इसको लेके मैंने कंट्रोल डी किया, ये सबके कोड आ गए जी, क्लियर। और इसमें कई सारे कोड ऐसे भी होंगे जो 97 to 122 के बीच में और इंक्लूडिंग होंगे, क्लियर। तो ऐसे जो कोड होंगे वहाँ पर लिखा आएगा स्मॉल लेटर और बाकी जगह जो भी मैसेज देना चाहें, लाइक अदर या डैश, कुछ भी हो, ब्लैंक। तो क्या करेंगे जी, अब इसी के आगे इफ लगाएंगे और चेक करेंगे जी, इफ ये कोड है हमारा, उसका कोड हमारा छोटा है या इक्वल है किसके, 122 के। अगेन इफ कोड, फिर मैंने ये पास किया A10 अगेन। अब यहाँ पर जो कोड है आपका वो बड़ा हो या इक्वल हो इसके 97 के, अगर ऐसा होता है तो लिखा आएगा स्मॉल लेटर, क्लियर। और अदरवाइज में हम डैश दे देंगे। अगेन कोमा डैश बाहर वाले के लिए, एंटर। अब कंट्रोल डी करेंगे इसे, लेकिन ये सब का आगे, ओके ओके। अगेन सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे, कोड मालूम करेंगे बच्चों पहले दिस वन, पर थोड़ी सी रेंज अलग है इसकी, इसकी रेंज क्या है बच्चों, 65 to 90। तो इफ लगाया हमने और चेक किया, अगर ये जो कोड हैगा वो लेस देन और इक्वल है हमारा 90 के, इफ जो कोड है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल है 65 के, तो कैपिटल
मीटर, अदरवाइज पे डैश। कंट्रोल डी, ओके। इसमें क्या होगा, यूआरएल लिस्ट में जहाँ पर स्मॉल लेटर रहेंगे वहाँ पर स्मॉल लिखा रहेगा, और जहाँ पर कैपिटल है वहाँ पर कैपिटल, क्लियर। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया कॉपी, इसी शीट को कॉपी करेंगे नीचे, कंट्रोल सी, मैंने कर दिया पेस्ट, क्लियर। तो अब थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, ओके। जहां पर लिखा डबल डैश, ये लिखा डैश, तो इसको रिमूव करके आप लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स, और यहां पर ट्रू। इसको कंट्रोल डी कर देंगे, ठीक है हमने, और इसमें भी सेम, अगेन बच्चों सेम इसे रिमूव करेंगे, फॉल्स। और फॉल्स के ऊपर आप डबल कोट भी नहीं लगाएंगे, फॉल्स पे डबल कोट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉल्स ट्रू और फॉल्स हमारा जो होता है वो लॉजिकल होता है, लॉजिकल के ऊपर आप कभी भी ट्रू और फॉल्स नहीं लगाते हैं, डबल कोट नहीं लगाएंगे। अगर डबल कोट लगा देंगे तो वो लॉजिकल से कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट में, तो बाद में आपको दिक्कत होगी। कंट्रोल डी करेंगे, ये आ गया जी अगेन। तो ये देखो जी, इसको थोड़ा अलग से करते हैं हाईलाइट, ठीक है। ये रहा जी, एक अल्फाबेट ये रहा जी हमारा, और एक अल्फाबेट ये रहा बच्चों, और एक अल्फाबेट ये रहा बच्चों। तो जस्ट अब इसी के सामने सामने यहाँ पर आपका आना चाहिए ट्रू, जहाँ जहाँ पर कलरिंग है, तो यहाँ भी ट्रू आएगा, यहाँ भी ट्रू आएगा, यहाँ भी ट्रू आएगा, और यहाँ भी ट्रू आएगा, और यहाँ भी ट्रू आएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, और लगा लेंगे, मैंने ये पास किया और दिस वन ये पास किया मैंने, क्लियर। अब क्या होगा, और क्या करता है, या तो C22 में ट्रू लिखा हो या तो E22 में ट्रू लिखा हो, अगर दोनों में से कहीं भी ट्रू लिखा होगा तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर दोनों जगह भी ट्रू लिखा होगा तो भी ट्रू आ जाएगा, तो इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल डी कर देंगे। अगर दोनों में से कहीं एक भी जगह ट्रू एंड फॉल्स लिखा होगा तो भी ट्रू आएगा भाई, ओके। तो अगेन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जी, ये ओके। तो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि हमारा ये वाला फॉर्मूला और ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये दोनों डिपेंड है आपकी इस लिस्ट पे, क्लियर। तो इस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।